उन्होंने क्योंकि व्यवसाय उनका आर्किटेक्चर का है, इट इज बिल्डिंग बायोलॉजी उन्होंने करी हुई है, तो तमाम और आर्किटेक्चर के बीच में क्या संबंध है उसका अध्ययन करके एक आर्टिकल लिखा, फिर उसके ऊपर एक किताब लिखी और इस किताब में यही सभी बातों को समझाने का उन्होंने प्रयास किया है। तीन चार बातें उसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मुझे लगी है, इस विश्व के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह है जो स्पेसिफिकली क्षमा के लिए बनी गई है, क्षमा करने के लिए ऐसी स्पेसिफिक जगह विविध धर्मों में विविध संप्रदाय में है जहां जाकर के आपको क्षमा याचना करती है, क्षमा के भावों को पैदा करना होता है। ऐसी प्लेसेस का उन्होंने केस स्टडी किया है। अभी अभी नई नई कंपनियों में भी ऐसे झगड़ा हो जाता है तो उसको सॉल्यूशन के लिए एक कुछ कमरा रखा होता है, वहां जाकर के आप कुछ करो, वहां पर वो बॉक्सिंग का कुछ रखा आता है, बॉस के साथ गुस्सा आ गया, वहां जाओ वहां मार दो और बाहर आ जाओ, ऐसा होता है बहुत सारे जगह पर, तो ऐसे करते हैं। ऐसे बहुत सारे धर्म में और बहुत सारे संप्रदायों में क्षमा का क्या महत्व है और क्षमा कैसे मांगी जाती है, हर एक विश्व में हर एक संप्रदाय में इसका इम्पोर्टेंस क्या है उसका अध्ययन करके इसमें बताया गया है। और जैनिज्म में क्षमा क्या होती है, छोटी छोटी चीजों में क्षमा क्या होती है, जब हम प्रतिक्रमण करने बैठते हैं तो प्रतिक्रमण करने के लिए बैठेंगे तो हमारा सेट के सामने सभी राउंड शेप में बैठते हैं, तो इट्स अगेन इन शेप, वो क्षमा के अनुकूल है, वैसे ही क्षमा के भाव आसानी से पैदा होते हैं। और सबसे अंतिम में इसमें एक अच्छी संकल्पना दी गई है कि भगवान के लिए मंदिर तो बनते ही हैं और बनने चाहिए, अच्छा है, वो स्वयं पवित्रता का स्थान है, लेकिन क्षमा के भावों को पैदा करने के लिए एक क्षमा मंदिर होना चाहिए जहां जाकर के हम हमारे मन के पापों को हल्का कर सके, जहां जाकर के हमने जो पाप किए हैं उसका कन्फेशन कर सके, जहां जाकर के हमें रोना है रो नहीं सकते हैं तो बिंदास वहां जाकर के रो सकते हैं, मुझ में ये दोष है ये बता सकते हैं, आपको किसी की हेल्प की जरूरत है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, वहां आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेगी क्षमा का क्या महत्व है, कन्फेशन क्या है ये मैं कर सकूं, और अंत में जाकर के आप हल्की होकर के बाहर निकल सको, ऐसी कोई जगह होनी चाहिए। तो ये क्षमा का मंदिर यदि हम बना सके तो शायद क्षमा के भावों को पहुंचने में हमें बहुत सहायता मिलेगी। ऐसे तो हमारे यहाँ इस प्रकार की विधाएं अध्ययन करने का प्रचलन नहीं है, साइंस या ऐसी कुछ चीजों को संशोधन करना ये प्रचलन नहीं है, बहुत ही उपेक्षित चीज है, हम जो करते आ रहे हैं वही करते आ रहे हैं, हर एक चीज हमारे द्रव्य में साइंटिफिक है लेकिन साइंटिफिक हम उसका स्टडी नहीं करते हैं। इसके पहले भक्तावर स्तोत्र और उसकी ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा का विज्ञान क्या होता है, उसके ऊपर अध्ययन करके उन्होंने प्रस्तुत किया और उसके बाद ये आकृति शेप ऑफ साइंस और क्षमा इन दोनों का परस्पर संबंध क्या है ये उन्होंने लाया है। उसको हम यदि ऐसा कुछ निर्माण करें, उसके ऊपर केस स्टडी हो, रिसर्च हो और हम खुद फील करें कि यहाँ जाकर के हम क्षमा का अनुभव कर सकते हैं, तो शायद इस पूरे विश्व को एक नई दिशा मिल सकती है जो आज के विश्व को बहुत जरूरी है।